मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं फाइनल फाइनली वैक्सीनेशन डन हो गया है और कुछ रिसर्च सामने आई है जिसमें बोलते हैं कि 84 डेज का ब्रेक जो है वो इसलिए नहीं है कि वैक्सीनेशन की कमी है, लेकिन इसलिए है ताकि जो अल्कोहल और वाइन की कुछ रिसर्च की इन लोगों ने, मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आया क्या बोला इन्होंने। मैं ढूंढ के आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि क्या है ये रिसर्च जो इन्होंने वाइन के ऊपर की है, लेकिन हाँ ये साफ रीज़न ज़रूर दिया इन्होंने कि वैक्सीनेशन की कमी होने का कमी नहीं है, गैप इसलिए है ताकि कोई रिसर्च हुई है बीच में जो जिसमें वो बोलते हैं कि 42 डेज तक का कुछ वाइन से रिलेटेड रिसर्च किया, इसलिए कुछ गैप बढ़ा के रखा। चलिए देखते हैं। मैं ख़त्म करने से पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए आए। तो ओके, फाइनली वैक्सीनेशन के बाद हम लोग घर आ चुके हैं और अब मेरे दिमाग में 2-3 आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो सुनिए। फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप वैक्सीनेशन दो भाग में डिवाइड करते चलो, वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद। पहले वाली चीज़ समझते हैं, सबसे पहले हमें अच्छे से खाना खा के जाना है और बहुत सी कॉमन चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए, मास्क लगा के जाएँ। वैक्सीनेशन लगने के बाद वहाँ पे बैठना है आधे घंटे। एंड हाँ, ध्यान रखें मेरी तरह इतना बड़ा कुर्ता ना पहन के जाएं, वेयर सम टी शर्ट जो यहाँ तक हो, बिकॉज वो वैक्सीनेशन यहाँ लगाते हैं इस तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड पे लगाएंगे इस तरफ, तो इतना पहन के जाएं, इतना लाइक टी शर्ट पहन के जाएं और समथिंग लूज, ताकि मेरी तरह वहाँ पे कपड़े ना उतारने पड़े। दो मैंने कपड़े नहीं उतारे, बट स्टिल कपड़े नहीं उतारने पड़े, ठीक है। वैक्सीनेशन लगने के बाद वहाँ पे वो तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि घर जाके क्या क्या करना है। तो हमें वापस आने के बाद 3 दिन तक कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं खाना है या ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, ठीक है। बुखार आने पर पैरासीटामॉल लेना है। पेन होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी तब भी पैरासीटामॉल लेना है और रेस्ट करना है, ठीक है। और क्या करना है, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर उसके बाद वैक्सीन आने के बाद तो नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल घर आओ आराम से। एंड अभी तक मुझे नॉर्मल सा ही फील हो रहा है, हल्का सा दर्द है मेरे बाजू में, बट अभी तक सब कुछ नॉर्मल सा ही है। वैक्सीनेशन के बाद क्या करना है, घर आइए और मैंने गूगल में सर्च किया कि क्या क्या करना है, तो उसमें बोलते हैं कि डू नॉट पोस्ट योर डिटेल्स ऑन स्टेटस, जैसे कि वो सर्टिफिकेट मिलता है और बहुत सारे लोग पोस्ट कर देते हैं, डू नॉट पोस्ट। एंड बिकॉज पोस्टिंग की वजह से बहुत सारे स्कैमर लोग आपकी डिटेल्स चुरा सकते हैं, इसलिए बेटर है आप उसको पोस्ट ना ही करें। एंड ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ठीक है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर जरूर आता है, वो तुम्हें कुछ ज्ञान देता है, तो उसकी बातें सुनिए गुड एंड वेल। मेरे पास जो इंस्ट्रक्टर आया था वो बहुत क्या बताऊँ, मतलब ठीक ही था। उसका एक ही रीज़न मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि
जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज है और सेकंड वैक्सीनेशन का डोज है उसके बीच में 12 हफ्ते का गैप क्यों है, उसका रीज़न था कि कोई रिसर्च हुई है जिसमें वो कहा गया है कि 42 डेज तक वाइन नहीं पीना, वाइन इंक्लूड्स एवरीथिंग अल्कोहलिक, तो इसलिए लोग बाग वाइन वगैरह पीने लगते हैं, इसलिए वो जो रिसर्च है की गई है। और सच बताऊँ मुझे इस रिसर्च पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। डू योर ओन रिसर्च, और अगर आप कुछ ऐसा मिलता है, मुझे नहीं मिला, मैंने गूगल किया मुझे कहीं नहीं मिला, आपको कुछ मिलता है तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। जो रिसर्च है मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से रिसर्च था कि रिसर्च में ये है कि 42 डेज तक वाइन नहीं लेना है, और अगर आप वाइन लेते हैं तो उसका कुछ इट रिएक्ट्स इन द बॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन। तो उनका ये रिसर्च है, सही भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर ये रिसर्च हुई है तो इट शुड बी पब्लिक एंड इट शुड बी अवेलेबल टू everyone। एंड ऐसा नहीं हो कि हम जो सिर्फ वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं उनके लिए रिसर्च हो, सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है और कुछ नहीं। बट मैंने उनसे बोला भी यही चीज़, बट वो बोलते कि हम तो हमारे ऊपर जो मालिक है वही करेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं। एंड हाँ, ज़रूर सुनिए, बातें सबकी सुनिए, बट डू योर ओन रिसर्च, हमेशा अपनी रिसर्च कीजिए। डू नो द थिंग्स क्लियरली अगर किसी चीज़ में डाउट वगैरह है। तो आज के लिए बस इतना ही है, यही है मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। और ठीक है, अभी देखते हैं जब सेकंड डोज लगाएंगे तो मैं एक और ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, यूट्यूब पे है एनालिस्ट के नाम से है, एंड कराइए 1000 सब्सक्राइबर, कराइए जल्दी जल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।